जय हिंद दोस्तों। आज की जो कंपनी है हमारे बोर्ड महाशय में वो है HDFC बैंक। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बैंकिंग कंपनी है, इनफैक्ट इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय एसेट्स। एसेट्स की ओर अगर देखा जाए तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बैंक है, बैंकों में आती है, बैंकिंग सेक्टर्स में आती है, प्राइवेट सेक्टर में। तो इसका जो शेयर प्राइस अभी चल रहा है निफ्टी में वो है 1600 के आसपास। ये ऊपर नीचे तो होते रहता है, आप लोग जानते हैं मार्केट के बारे में, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर जाकर के चेक कर सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। थोड़ा बहुत पहले तो जानते हैं कि कंपनी के बारे में, जैसे कि एक ओवरऑल रिव्यू मैं देता हूँ। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका इंडस्ट्री टाइपिंग है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज इन द सेंस मतलब ये लोन देती है, बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड इश्यूज करती हैं, तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में आती है और बैंकिंग सर्विस तो प्रोवाइड करती ही है। इनके जो MD और CEO है ये है शशिधर जगदीशन। एक्चुअली ये थोड़ा सा टफ नेम है, ठीक है मेरे लिए। तो ये मिस्टर शशिधर जगदीशन है MD और CEO। इनके जो चेयरमैन है HDFC बैंक के चेयरमैन है वो है अतनु चक्रवर्ती। ये इजी है नेम, एक्चुअली आई एम अ बंगाली तो ये बंगाली है। तो अतनु चक्रवर्ती इनके चेयरमैन है। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय एसेट, मैंने आपको ये बता दिया है। इनका दो सब्सिडियरी कंपनीज है दोस्तों, एक है HDFC सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज पे मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज पे ही काम करती है HDFC सिक्योरिटीज, और दूसरी है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि HDB बहुत सारे जगहों पर आपने देखा भी होगा, इनके ऑफिसेज होते हैं, यहाँ से इन लोगों का लोन वगैरह जो फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह है ये चलता है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये दोनों जो कंपनी है ये सब्सिडरी है HDFC बैंक की। इनका एक रिसेंट न्यूज आ रहा है, बहुत ही रिसेंट है, इनफैक्ट कल का ही बात है। HDFC जो है ये पार्टनर किया हुआ है IRCTC के साथ, और ये लोग लॉन्च करने वाले को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च करने वाले हैं। इनका सिमिलर कंपनीज के बारे में आपको बता दे, सिमिलर कंपनीज HDFC से रिलेटेड जो कम्पीट करती हैं वो है ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ये सारी कंपनीज जो है ये कंपटीटर्स हैं इनका। इनका शेयर्स भी जिस तरह मैंने बोला था पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं परफॉर्मेंस पे, शेयर प्राइस पे, ये सारी चीजों पे। इनका एक CSR बोल करके चलता है प्रोग्राम जिसका नाम है परिवर्तन, और इन्होंने प्लेज किया है कि 2032 तक कार्बन न्यूट्रल कंपनीज में आ जाएंगी। तो ये एक चीज है, आगे आपको ओवरऑल व्यूज बता दिए, रिव्यू बता दी कंपनी के बारे में। आगे चलते हैं इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को देखते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट्स 2020 की जो है 1,47,068 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ था, जिसमें 27,254 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अभी तो 2021 का बात करते हैं। 2021 में दोस्तों इसका जो रेवेन्यू है 1,55,885 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया, जिसमें से प्रॉफिट बचाया 31,833 करोड़। ठीक है, 2022 जो कि लास्ट ईयर का है उसमें देखते हैं 1,67,695 करोड़, इतने का रेवेन्यू में 38,053 करोड़ का प्रॉफिट इन लोगों ने सेविंग किया इतने सारे। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस लास्ट 3 इयर्स का, और आपका डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में, क्या रिस्क ले सकते हैं। आगे चलते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया था प्रोमोटर्स के बारे में, प्रोमोटर्स के पास 25.60% ऑफ शेयर्स है इस कंपनी का, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है इसके पास 32.08% शेयर्स है कंपनी का। रिटेल जो हम लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी में, BSE में, जो भी है, तो इसके जो रिटेल ट्रेड है 15.79% ऑफ शेयर्स का रिटेल ट्रेड किया जाता है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs के पास
8.16% ऑफ शेयर्स है दोस्तों। म्यूचुअल फंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होती है इस कंपनीज में, एक बैंकिंग कंपनीज में, और 18.37% ऑफ शेयर्स म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास है। तो ये जो थी एक ओवरव्यू। हाँ, एक और चीज बताना भूल गया, ये जो सीएसआर के अंडर में 110 करोड़ इन्होंने यूटिलाइज किया था कोविड-19 के रिलीफ के टाइम में। ये थोड़ी सी पुरानी है, लास्ट टू लास्ट ईयर की होगी। तो इसी के लिए ये है प्लेजेस, तो मैंने आपको सारी बता दी है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करने लायक कंपनीज है, क्या कुछ है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपकी राय। आज की वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंपनी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।